ड्रग्स माफियाओं के काल है योगी जी, ये ट्वीट विकास बिहार का है जो खुद को हिंदूवादी नेता बताते हैं और वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। गुजरात की सूरत शहर पुलिस ने हिंदूवादी नेता और बीजेपी कार्यकर्ता विकास आहिर समेत दो अन्य को एमडी ड्रग बेचने के मामले में अरेस्ट किया है। ये वही विकास आहिर है जो ट्विटर पर लिख रहे थे कि योगी जी ड्रग्स माफियाओं के काल है। विकास की सोशल मीडिया पर मौजूद प्रोफाइल के अनुसार विकास हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष है। इसके साथ वह बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। एक ट्वीट में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट भी किया है, जिसमें मंत्री जी को बड़ा भाई बता रहा है और मंत्री जी भी उसके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आभार प्रकट करते नजर आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स के तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। वही सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहर में एमडी ड्रग्स की बिक्री के मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि सूरत में पहले ड्रग्स की खेप मुंबई से आती थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद इस धंधे में लिप्त लोगों के मॉड्स ऑपरेंडी में बदलाव किया है। अब राजस्थान के जरिए सूरत में ड्रग्स की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने विकास आहिर के विकास के साथ चेतन साहू और अनीश खान पठान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 354 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। एक तरफ जहां ड्रग्स बेचने के मामले में सूरत पुलिस ने विकास आहिर और उसके दो दोस्तों को अरेस्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। इटालिया ने लिखा है, हिंदुत्व के नाम पर 2022 के चुनाव में यही टोली उनके घर पर पहुंची थी। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि सामने आया है कि आरोपी आइसक्रीम पार्लर की आड़ में एमडी ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। ये टू व्हीलर से डिलीवरी भी करते थे। गहलोत ने कहा, पिछले कुछ समय में सूरत में ड्रग्स बेचने के 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 85 आरोपियों को अरेस्ट किया है। गहलोत ने कहा, एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट आरोपियों की संपत्ति की जांच भी की जा रही है। अवैध और काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को सील किया जाएगा। सूरत पुलिस द्वारा ड्रग्स बेचने के मामले में अरेस्ट किए गए विकास शाहिद ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता की बनाई है। एक्स पर आहिर ने अपने बायो में लिखा है कि पूर्व अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश बताया है। इसके बाद आहिर ने खुद को बीजेपी युवा मोर्चा गुजरात से जुड़ा हुआ बताया है। आहिर ने बायो में खुद को आरएसएस को स्वयं सेवक भी बताया है। सूरत शहर पुलिस के अनुसार करीब एक महीने की होमवर्क और निगरानी के बाद तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कुल मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार ड्रग्स राजस्थान के जरिए सूरत में लाया जा रहा था।